स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दे रखा है बेटा लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड एंगल B एनी पॉइंट ऑन L। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A सो दैट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AQB। सेकंड में हमें प्रूव करना है बेटा BP equal BQ is the perpendicular from the arm of angle A। देखिए बेटा एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कोई लाइन L है जो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। आप लोगों को पहले ही बताते बेटा कि अगर ये वर्ड आ जाता है बाइसेक्टर और जिसका बाइसेक्टर बोलते बेटा उसका मतलब उसको हाफ हाफ कर देता है बिल्कुल। तो ये L लाइन जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। इसका मतलब कि एंगल A जो पूरा था उसको दो इक्वल पार्ट में इसने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। एक बात कंफर्म हो गई। दूसरी बात इसमें बोला है बेटा कि इसमें कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर यानी जो ये BQ और BP है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर ठीक है और ये वाला जो Q पर भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है हमें प्रूफ करना है बेटा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है AQB के। तो सिंपल सी बात है बेटा जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है उन दो ट्रायंगल की कोई तीन प्रॉपर्टीज को हम लोग मैच करा देते हैं और फिर हम लोग इसके बेस पे कह देंगे कि ये क्या है दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो आइए वो उन दोनों ट्रायंगल को सेलेक्ट करते हैं और उनमें उनकी प्रॉपर्टीज को मैच कराते हैं। तो बेटा हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी। कौन सा ले लेंगे ए बी पी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी अब हम ले लेंगे बेटा। तो अब इनमें देखते हैं क्या क्या हमारा इक्वल है। तो आप दोनों को आप सबको साफ दिखाई दे रहा होगा बेटा कि इन दोनों ट्राइंगल में यानी इस वाले ट्राइंगल में नीचे वाले ट्राइंगल में और ऊपर वाले ट्राइंगल में। तो नीचे वाले ट्राइंगल में बेटा देखिए एक 90 बन रहा है ऊपर वाले में भी बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल में सेम मिल रहे हैं। तो एंगल Q इज इक्वल्स एंगल P ठीक है ईच 90 डिग्री। दूसरा क्या मिल रहा है बेटा देखिए अब जरा ध्यान से इस चीज को देखिए कि बोला था कि L जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि एंगल QAB इक्वल हो गया एंगल PAB के यानी एंगल QAB इज इक्वल्स एंगल PAB PAB ठीक है ना। L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A क्योंकि L ने बाइसेक्ट किया है किसको एंगल A को। अब दूसरी चीज देख रहे हैं बेटा कि ये AB जो लाइन है AB देखिए AB ये वाली जो बीच वाली लाइन है वो इस ट्रायंगल में भी है और AB लाइन जो है वो इस नीचे वाले ट्रायंगल में भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब कि AB इक्वल AB ये क्या हो गया बेटा कॉमन हो गए मैंने बताया था। अब देखिए इसमें दो एंगल और एक साइड मिल गया तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसलिए ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी बाई एंगल साइड एंगल यहां तक समझ में आ गया ठीक है। अब दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है बेटा कि बी पी इक्वल है बी क्यू के। मैंने बताया था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। फिर से एक बार एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि ये हथेली मेरे इस हथेली के कॉन्ग्रुएंट है तो इस हथेली का अंगूठा इस हथेली के अंगूठे के इक्वल होगा। इस हथेली का ये वाली उंगली इस वाली हथेली के इस वाली उंगली के इक्वल होगा यानी हर एक पार्ट इसका इसके सेम उसी पार्ट से क्या होगा इक्वल होगा। तो इसी तरह से ट्राइंगल ए क्यू बी और ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड का क्या है इक्वल है। और इक्वल है बेटा किस प्रॉपर्टी से सीपीसीटी हम बताया था ना करेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस ए बी पी इक्वल बी क्यू बाई सी पी सी टी और इसलिए हमारा सेकेंड का आंसर हो गया ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको।